बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन काफी गहरा रहा है और यही किसी से छुपा नहीं है। कई बार जहां बॉलीवुड हीरोइनों का दिल अंडरवर्ल्ड डॉनों के ऊपर आ जाता है तो कई बार डॉन भी हीरोइन की खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही कुछ अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिनका अंडरवर्ल्ड डॉनों के साथ लिंकअप था। मंदाकिनी साल 1985 में राज कपूर की फिल्म रंग तेरी गंगा मैली रिलीज हुई थी। इस फिल्म से एक एक्टर रातों रात सिनेमा की दुनिया में छा गई थी जिनका नाम यास्मीन जोसेफ था, यानी कि मंदाकिनी। मंदाकिनी 90 के दशक में फिल्मों के अलावा अपने अफेयर की खबरों को लेकर काफी सुर्खियों में रही। मंदाकिनी का नाम उस समय अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाता था। मोनिका बेदी। बॉलीवुड एक्टर मोनिका बेदी अपनी फिल्मों से ज्यादा दाऊद के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अबू सलीम के प्यार के चलते चर्चा में रही। इस प्यार के चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा। एक इंटरव्यू में मोनिका ने बताया था कि वो अबू सलीम ने उन्हें अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में नहीं बताया था। यहाँ तक कि अबू सलीम ने मोनिका को अपना असली नाम तक नहीं बताया था। इसी के चलते मोनिका उनके प्यार में पड़ गई थी। ममता कुलकर्णी। बॉलीवुड में खुद को बॉर्न एक्टर के रूप में स्थापित कर चुकी ममता कुलकर्णी का नाता विवादित से रहा है। ममता ने जितनी तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी उतनी ही तेजी से उनका करियर खत्म भी हो गया। रिपोर्टों की माने तो ममता का नाम अंडरवर्ल्ड के डॉन सरगांवके से जोड़ा गया था। इतना ही नहीं, उनकी नजदीकी ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से भी थी। 2016 में ममता कुलकर्णी को केनिया एयरपोर्ट पर पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में ममता कुलकर्णी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।